हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आज मैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों पढ़ाने नहीं आया हूँ मेरे प्यारे मित्रों, बस आपसे कुछ थोड़ा बातचीत करने आया हूँ। तो जो परीक्षार्थी यूपीपी के एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे मित्रों। और आपके अब रिजल्ट का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जो भाई बहन हमारे खूब मेहनत से पढ़े हैं और अच्छे से सेशन को वाच किए होंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो आशा करता हूँ कि जीके जीएस के हमने पेपर को देखा है, एनालिसिस किया है। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि ये देखिए हमारे सेशन से ये क्वेश्चन आया था, और अगर आप अच्छे से सेशन को वाच किए होंगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिला होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी परीक्षार्थी यूपीपी के एग्जाम में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल आप सभी का एग्जाम जो है समाप्त हो गया है, तो आगे के आपकी रणनीति क्या होगी मेरे प्यारे मित्रों? तो आगे की रणनीति आप लोगों की यही होगी मेरे प्यारे मित्रों कि जो आपको करना था वो आप कर दिए मेरे प्यारे मित्रों। अब आपके रिजल्ट का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन आप मेरी तरफ से एक बात जरूर मानिए कि आप जो है अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत लगाइएगा, पढ़ाई जारी रखिए मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप पढ़ाई जारी रखेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप जो है पढ़ाई को बंद मत करिएगा और डेली आप जो है पढ़ाई को जारी रखिए मेरे प्यारे मित्रों, और डेली सेशन को वाच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कल से हमारा डेली सेशन आप लोगों के लिए आएगा, मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करिए आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, यूपीपी की भी वैकेंसी आप लोगों को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम जो है आप लोगों को 1 लाख की 1 लाख भर्ती और देने जा रहे हैं। तो इसलिए आप जी जान से लग जाइए, और मेरे प्यारे मित्रों जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको मेरी तरफ से मेरे प्यारे भाइयों बहनों बहुत बहुत बधाई रहेगा। तो आप सभी ये मत सोचिए कि मेरे प्यारे मित्रों 60,244 ही पद है मेरे प्यारे मित्रों, जो अच्छे से मेहनत किए हैं वो जरूर सिलेक्ट होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है मेरे प्यारे मित्रों। और किसी कारणवश मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर आप नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं तो आप हताश एवं निराश मत होइए और लगे रहिए अपने मेहनत पे, और एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे ये मेरा मानना है। तो इसलिए आप जो है अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा कि आप यूपीपी का एग्जाम हो गया तो हम पढ़ाई जो है ब्रेक कर दें। तो आप सभी अपना स्कोर भी जो है मेरे प्यारे मित्रों मिला लीजिएगा कि आपका जो है कितना नंबर आ रहा है, उसी हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी करिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और फिजिकल की आप लोग तैयारी करते रहिए, और अगर जिनका स्कोर भी मेरे प्यारे मित्रों कम आ रहा है या मेरे प्यारे मित्रों उससे आप जो है घबराइए मत, आने वाले समय में आप अच्छे से तैयारी करिए और आने वाले समय में आप जरूर सिलेक्ट होंगे ये मेरा मानना है। तो अभी बहुत सी वैकेंसी आई है मेरे प्यारे मित्रों, जैसे एसएससी जीडी की आ गई है और एएलपी टेक्नीशियन की आई है, एनटीपीसी की आने वाली है और ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन में लगे रहिए, जरूर आप सिलेक्ट होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी हमारे सेशन को आप लोग अच्छे से वाच किए होंगे तो जानते होंगे कि हमने कितने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था, और 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए मैथ हो चाहे रीजनिंग हो हमने बताया था, और जीके जीएस के क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों ब्लैक बोर्ड पे कि हमारे पढ़ाए हुए कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपीपी में आए थे, आप लोग मिला लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। और वो आए थे जो मित्र भाई एवं बहन हमारे अच्छे से सेशन को वाच किए होंगे वो जरूर जीके जीएस के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आए होंगे और हल करके आए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिए। जो परीक्षार्थी यूपीपी की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो आप लोग जाके जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन कराया था
या हमने जीके जीएस का जो भी चैप्टर लिया था, और मेरे प्यारे मित्रों परसेंटेज से भी बहुत से क्वेश्चन आए थे, इसलिए हमने जितना भी सेशन आप लोगों को पढ़ाया था, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, देखने को मिला है। इसलिए आप जो है मिला लीजिएगा हमारा सेशन कि आपको मैथ के कितने क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। हम एनालिसिस नहीं कराए हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे देखिए जीके जीएस में मेरे प्यारे मित्रों, जीके जीएस सामान्य अध्ययन में मेरे प्यारे मित्रों, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा को, मेरे प्यारे मित्रों लोकसभा को कौन कौन भंग कर सकता है, भंग कर सकता है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है मेरे प्यारे मित्रों। उसके चार विकल्प दिए थे, पहला है राज्यपाल, राज्यपाल, और दूसरा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और तीसरा है मेरे प्यारे मित्रों, इस तरह का मतलब आया था, तीसरा है मेरे प्यारे मित्रों राज्यसभा, राष्ट्रपति और स्पीकर, स्पीकर मेरे प्यारे मित्रों, और चौथा विकल्प था मेरे प्यारे मित्रों मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो मेरे प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ये कौन सी शिफ्ट में आया था, तो ये 25 अगस्त शाम में, शाम के शिफ्ट में आया था मेरे प्यारे मित्रों, 25 अगस्त शाम के शिफ्ट में आया था यूपीपी के। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करता हूं कि आप सभी ठीक लगाए होंगे, जो नहीं लगाए हैं उसको मिला लीजिएगा। तो ये जीके जीएस का क्वेश्चन था, और हमने कई बार अपने सेशन में जीके जीएस पे पढ़ाते हुए बताया था कि एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं। ये भी मेरे प्यारे मित्रों 25 अगस्त ये मेरे प्यारे मित्रों 25 अगस्त यूपीपी के शाम के शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये सीध आप लोग लगाना था महाराष्ट्र के राज्य में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने लगाया था कि ये यूपीपी के एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी गया। तो जो सेशन हमारे परीक्षार्थी लिए थे अच्छे से, उनको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, और आप जाके 25 अगस्त का शाम का शिफ्ट उठा लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि हमने जीके जीएस से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हमने बताया है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी सेशन को, अगर जो मित्र हमारे अच्छे से वाच किए होंगे, वो आशा करता हूँ कि जीके जीएस का जो है अच्छा लेवल स्कोर करके आएंगे, ये मेरा मानना है। ऐसे ही हम आप लोगों को और भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपको मिले थे, और मेरे प्यारे मित्रों बताएंगे आपको कई क्वेश्चन आपको हमारे जीके जीएस सामान्य अध्ययन से आए हैं, यूपीपी के एग्जाम में सीधे और डायरेक्ट पूछा गया है। जो मित्र हमारे अभी हाल ही में जो हमने पढ़ाया था जीके जीएस का सेशन 12-13 चैप्टर मेरे प्यारे मित्रों पार्ट, उसमें से कई क्वेश्चन आपको यूपीपी के एग्जाम में देखने को मिला है, और हमने कई बार बताया भी है कि ये यूपीपी के एग्जाम में सीधे पूछ सकता है, और पूछा भी गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे मेरे प्यारे मित्रों, तब आपको विश्वास होगा, और जाके पेपर उठा लीजिए 25 अगस्त 2024 का शाम के शिफ्ट का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप अच्छे से सेशन को जीके जीएस का लिए होंगे, तो मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस का ही नहीं, जो हमने पढ़ाया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ के सेशन से भी हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो जो मित्र हमारे सेशन को अच्छे से वाच किए हैं मैथ का, जैसे रेलगाड़ी का आया था मेरे प्यारे मित्रों,
ट्रेन से भी हमने पढ़ाया है, और आप तो जानते ही हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो ट्रेन जो जितनी भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और ये एलपी टेक्नीशियन मेरे प्यारे मित्रों रेलवे से संबंधित ही हमारे सारे क्वेश्चन थे, और वो 70% क्वेश्चन थे मेरे प्यारे मित्रों। और एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए जीके जीएस में स्वतंत्र भारत के मेरे प्यारे मित्रों गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत 1947 करके ऐसे कोई क्वेश्चन आया था, 1947 आजादी के बाद गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ना होके ऐसे कुछ था क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। हम आपको पीछे आगे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट फंसा है, और हमने आप लोगों को बताया भी है। आप जो मित्र हमारे, तो आप जो है मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्रों कि आप जो है हताश मत होइए, और आने वाली बहुत सी वैकेंसी है, और जिस भाई बहन का यूपीपी के एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे वो ठीक है, लेकिन आप जो है अपनी पढ़ाई जो है बंद मत करिए अभी मेरे प्यारे मित्रों। और जो मित्र नहीं हो भी पाएंगे वो आने वाले वैकेंसी में देखेंगे, और आप मेहनत से अच्छे से लग जाइए मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप जो है एक दो साल जो है बहुत सी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो आप जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए यूपी में मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक भर्ती आ रही है 27,713 पोस्ट, तो आप जब ये कोर्ट के आर्डर से मेरे प्यारे मित्रों, तो आप सभी जो है अपना जो है यूपी का वैकेंसी जो आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों उसमें भी आप लग जाइए, और यूपी टेट का सुपर टेट का मेरे प्यारे मित्रों आप जो है लग जाइए पढ़ने के लिए। तो जितना भी हमने मैथ का सेशन कराया है मेरे प्यारे मित्रों, मेरा फेवरेट सेशन होता है मैथ का, तो आप सभी जो है जो मित्र हमारे अच्छे से वाच किए हैं वो आशा करता हूँ कि मैथ का जित 25 से 26 27 क्वेश्चन पूछा गया था इस बार यूपीपी के एग्जाम में, तो जो मित्र हमारे आशा करता हूँ कि अच्छे से सेशन को वाच किए होंगे, तो 23-24 क्वेश्चन करके आए होंगे ये मेरा मानना है, और हमने टिपिकल बताया था मेरे प्यारे मित्रों। तो कल से आप जो है लग जाइए, और कल से हमारा सेशन आप लोगों के लिए एक धुआंधार सेशन चालू होगा मेरे प्यारे मित्रों, और हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेरे प्यारे मित्रों यूपीपी की तैयारी आप फिर से करने वाले हैं आने वाली वैकेंसी के लिए, जो मित्र नहीं जा पाए हैं या उन जिनका एज नहीं हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, या जो मित्र हमारे किसी कारणवश मेरे प्यारे मित्रों सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आप जो है तैयारी को बंद मत करिए मेरे प्यारे मित्रों जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी जारी रखिए, और आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों खूब मेहनत से जी जान से लग जाइए। यूपी लेखपाल भी आने वाला है, तो वैकेंसी आने वाली है बहुत सी, बस आपको क्या करना है कि मेहनत और जी जान से करना है मेरे प्यारे मित्रों। तो इसी आशा के साथ मेरे प्यारे मित्रों कल आप लोगों को कट ऑफ भी बताएंगे कि हम यूपीपी का कट ऑफ कितना रहने वाला है, कल हम निकाल के आप लोगों को कट ऑफ बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आज नहीं बता पाएंगे, लेकिन कल आपको कट ऑफ बताएंगे कि यूपीपी 2024 का कट ऑफ क्या रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो कल से हमारा सेशन भी चालू होगा, और आशा करता हूँ कि आप डेली सेशन को अच्छे से वॉच करेंगे। तो इसी आशा के साथ ज़्यादा ना समय लेते हुए हम कल आपको अच्छे से सेशन को वॉच कराएंगे, और आप सभी डेली क्लास को अटेंड करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों, और अपनी तैयारी में लग जाइए और लगे रहिए जब तक कि आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए। चलिए इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।